नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे एक्सपांशन जॉइंट। एक्सपांशन जॉइंट क्या होता है? जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे सामने है, ये जो दोनों स्लैब के बीच में लगी हुई है इसे हम बोलते हैं एक्सपांशन जॉइंट। और जनरली इसकी कास्टिंग जो है या इसका प्लेसमेंट ब्रिज के कास्टिंग के बाद किया जाता है। आइए अब इसे करीब से देखते हैं और इस कंपोनेंट को, इसे हम बोलते हैं स्टड सेयर। और ये जो स्पेस है इनके बीच की, इस स्पेस को यहाँ पे जो है लगने वाली रहती है स्ट्रिप से। और इसके जो दोनों पैनल हैं इनके बीच का गैप है 40 mm। और इस पे एक्सपांशन जॉइंट पे 3-4 टाइप की टेस्ट होती है। जनरली एक्सपांशन जॉइंट में जो टेस्ट होते हैं, इन टेस्ट के बारे में हमें बताएंगे कुणाल जी। कौन कौन से टेस्ट होते हैं सर इस एक्सपांशन जॉइंट में? एक्सपांशन जॉइंट में एक तो ये अपना स्टड का पुल आउट टेस्ट होता है जी। और जिस स्टड पे हम पुल आउट टेस्ट करते हैं उसी स्टड पे फिर वेल्डिंग का हम डाई पेनिट्रेशन करते हैं। ओके, तो उसका वेल्डिंग का भी टेस्ट हो जाता है जी। फिर इसके बीच में जो आता है स्ट्रिप सील ये सर बीच में लगती है? ये बीच में लगती है, उसका भी पुल आउट टेस्ट होता है जी। फिर होता है डेब्रिस एक्सपेलेशन टेस्ट। इसका पर्पस क्या है सर? उसमें ये जो स्ट्रिप सील लगी रहती है उसमें पूरा डेब्रिस भर के उसको वाइब्रेशन देते हैं, तो वो ये देखने के लिए कि डेब्रिस कोई फंस के रहता नहीं है इसमें। अच्छा, इसमें मतलब जो हम इस स्ट्रिप सील लगाएंगे और जब हमारा ये ब्रिज फंक्शनल हो जाएगा तो कोई भी इसमें डेब्रिस या कोई भी डस्ट पार्टिकल या कंकड़ पत्थर वगैरह इसके वाइब्रेशन से ऑटोमेटिक पूरा क्लीन होता जाए। ओके ओके ओके। और फिर एक होता है साइक्लिक मोशन टेस्ट। साइक्लिंग मोशन टेस्ट, इसका क्या पर्पज है सर? उसमें ये स्ट्रिप सील का वो जो लीकेज टेस्ट करता है। ओके, अच्छा इस पे लीकेज ना रहे। हाँ, उसके वाटर का लीकेज ना रहे, उसके थ्रू आउट निकल ना, ऊपर से हाँ मतलब नीचे ना जाए। ओके, इसलिए वो साइक्लिक मोशन टेस्ट। और कौन से टेस्ट इसमें किए जाते हैं सर? और एक कलर का थिकनेस का टेस्ट होता है, वो अल्ट्रासोनिक से हम कलर का। अच्छा, इसकी वो केस की थिकनेस ये कितनी मिनिमम होनी चाहिए सर? ये मिनिमम एज पर IRC अपने 150 माइक्रोन है। 150 माइक्रोन। ओके ओके। और इसकी जनरली सर कास्टिंग हम हमेशा लास्ट में करते हैं? हाँ, इसका कास्टिंग स्लैब की कास्टिंग हो जाने के बाद में हम एक्सपांशन जॉइंट इंस्टॉल करते हैं, क्योंकि ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड रहती है। क्यों सर? इसका जो साइड पे लाके प्लेसमेंट करना और इसके कुछ रेनफोर्समेंट वगैरह लगाना ये कॉम्प्लिकेटेड रहता है, इसीलिए सर ये जगह जो इस पे छोड़ा हुआ है स्लैब का, ये एक्सपांशन जॉइंट के लिए छोड़ा हुआ है। हाँ, उसी के लिए। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं।